नमस्ते नटरलाल अंकल। अरे आओ बेटा, तुम खीरालाल के बेटे हो ना? अरे अंकल, भूल गए आप मुझे? अरे नहीं नहीं, तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। अरे नहीं भूले अंकल, तो पूछ कर रहे हो कि खीरालाल का बेटा हूँ। अरे बेटा, इनकी तो आदत है ऐसे ही बोलने की, जानकर भी अनजान बनते हैं। तुम बताओ, घर में सब जिंदा है? हाँ अंकल आंटी, मेरे घर में सब जिंदा है, आप अपनी बताओ। अरे बेटा, मैं तो जिंदा हूँ, इसका पता नहीं। हाँ हाँ, कैसे पता होगा, इन्हें तो सोने और खाने से फुर्सत मिले तो पता होगा घर में सब कैसे हैं। अरे आंटी अंकल, आप बाद में झगड़ लेना, काम की बात तो सुनो। बोलो बेटा, तुम तो, ये तो ऑल इंडिया रेडियो है, शाम तक बोलती ही रहेगी ऐसे। और ये तो कुंभकर्ण है, सोते रहेंगे। बोलो बेटा, तुम तो। मेरे पापा ने इस लॉकडाउन में पैसा बचाने के लिए मेरी शादी करने की सोच ली है अंकल आंटी। हाँ तो प्रॉब्लम क्या है, कर लो शादी। अरे अंकल, मैं आपसे पूछने नहीं, बताने आया हूँ, और आप दोनों को शादी का इनविटेशन देने आया हूँ। हाँ बेटा, हम बिल्कुल आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे। बोलो बेटा, कब आना है? हाँ बेटा, बोलो कब आना है। मैंने भी बहुत दिनों से मेकअप नहीं किया, बताओ बेटा कब आना है। अरे आंटी अंकल, आप लोगों को आना नहीं है, मैं तो आपको ये बताने आया हूँ कि आप दोनों का नाम वेटिंग लिस्ट में है। अंकल का नाम 56 नंबर पर और आंटी का नाम 57 पे। अगर कोई आता नहीं है 5-6 लोग, तो आप दोनों को आना है अंकल आंटी। अरे बेटा, ऐसे थोड़ी होता है, मैंने कितने दिनों से शादियों का खाना नहीं खाया। मेरे पास 3 इनविटेशन आए, तीनों वेटिंग लिस्ट में है बेटा। बेटा कुछ करो, 50 के अंदर लाओ हमें। अंकल आप पहले 50 में ही थे, फिर पापा ने बोला ये अंकल खूब खाते हैं, इसलिए फिर आपको 56वें नंबर पर कर दिया पापा ने। अरे बेटा इनको छोड़ो, मेरा सोचो। मैंने तो इतनी शादियों में जाने का मूड बना रखा है, पर कहीं पर भी वेटिंग लिस्ट क्लियर नहीं होती बेटा। मैंने मेकअप नहीं किया, इनका रहने दो भले, पर मुझे तो किसी तरह 50 के अंदर लेकर आओ। आंटी आप भी पहले 50 में ही थे, पर मम्मी ने बोला वो बातें बहुत मनाते हैं, और बहुत सी टीका ताकी और औरतों में बहुत बातें मनाते हैं, बुराइयाँ भी खूब करती हो आंटी आप, इसलिए मम्मी ने आपका नंबर तो अंकल के बाद 57वें नंबर पर रखा है। बस बहुत हुआ बेटा, अब अपने पापा को जाकर कह देना मेरे लड्डू की शादी में उनका वेटिंग लिस्ट में भी नाम रहेगा, और जाओ यहाँ से। अच्छा अंकल मैं चलता हूँ, अगर वेटिंग लिस्ट क्लियर हुई तो मैं आपको जरूर बुलाऊंगा। अच्छा अंकल बाय बाय। देखा, तुम्हारे खाने पीने की आदत की वजह से हमारा हर शादी में वेटिंग लिस्ट में नंबर आता है, अब पता चला सब गलती तुम्हारी है। वेटिंग लिस्ट में नंबर तुम्हारी वजह से है, तुम ही जाकर शादियों में जाकर उन्हीं का खाते हो और उन्हीं का बुराई करती हो। दाल में चीनी कम है और चीनी में नमक कम है और नमक में पेठे कम है और पेठे के गुलाब जामुन खाती हो और पता नहीं क्या क्या, न जाने किस तरह की बुराइयां करते हो। दुल्हन के चेहरा सही नहीं है, इसके तिल है, दूल्हे के मुंह अच्छा नहीं है, दूल्हे के बाल लंबे हैं। इस तरह की तुम्हारी बातों की वजह से आज हमें कोई भी शादी में मेन में नहीं रखकर वेटिंग लिस्ट में रखता है। और करो शादियों में जाकर ऐसी बातें। और तुम जो 3 घंटे में शादी में रुककर दिन 3-3 प्लेटें उठाकर 4-4 बार खाना खाते हो, गुलाब जामुन के अंदर दाल डाल के खाते हो, और तुम्हारी जो ये हरकतें हैं, तुम्हारी वजह से हर शादी में खाना कम पड़ा है, तो लोग तुम्हें क्यों बुलाएंगे? तुम्हें तो अब वेटिंग लिस्ट से बाहर ही रखेंगे ना। पहले भी बुलाते थे तुम्हें तो मजबूरी में ही बुलाना पड़ता था, और तुम्हें बुलाते थे तो 4 आदमी ज़्यादा ही गिनते थे सब लोग। और मैं जा रही हूँ अपने घर, बना लेना शाम का घर खाना खुद ही, और रहना अब अकेले, पता चलेगा तुम्हारे यहाँ तो कोई शादी का इनविटेशन आएगा नहीं। मेरी मम्मी के यहाँ हर इनविटेशन 50 के अंदर आ रहा है, मैं चली यहाँ से।